देसुरी के घानेराव अस्पताल में आरटीआई कार्यकर्ता ने डॉक्टर गिरीश भारद्वाज के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन की बात को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता और डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ था। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अखिलेश पुरोहित ने देसुरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्यकर्ता के खिलाफ मारपीट समेत राजकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। उसके बावजूद बाद में आकर के इस तरह से धमकी देना कि आप लोग जानबूझ के ऑपरेशन नहीं करें, अननेसेसरी का दबाव बनाना कि इसका ऑपरेशन करा जाए, हाई ब्लड प्रेशर में करा जाए और प्राइवेट के अंदर हो रहा है या इस तरह से, तो इस तरह का खतरा तो हम नहीं ले सकते मरीज की जान को खतरे में डालकर। वो कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं था और अननेसेसरी का इस तरह से दबाव बनाना, धमकी देना, देख लेने तक की धमकी देना, इस तरह का ऐसी परिस्थिति के अंदर काम बिल्कुल नहीं किया, काम करना संभव नहीं ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर उल्टा भय का माहौल क्रिएट किया जाता है। आप के खिलाफ में दुष्प्रचार की तक की धमकी दी जाती है कि आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे इस तरह का किया जाएगा, तुम्हें देख लूँगा, मेरा काम नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, इस तरह के का बार बार न्यूज सेंस क्रिएट करना, ये ऐसे माहौल के अंदर एक डॉक्टर के लिए या एक सरकारी कर्मचारी के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कम की और कुछ सरकारी जो सामान है उसमें तोड़ फोड़ किया, एक स्टूल तोड़ दिया उसमें गिरा के और कांच के ऊपर शायद उसने एक इंस्ट्रूमेंट फेंका या मारा, उससे कांच भी टूट गया, गिरीज भारद्वाज के कोहनी में ही। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं चाहूँ जैसा हो और पेशेंट के हित में काम किया जा रहा था। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका ऑपरेशन होना था उनका बीपी बहुत ज़्यादा था, ऑपरेशन थिएटर में लेने पर उनका बीपी 200 था, सांस के मरीज भी हैं, उनको घबराहट होने लगी कि मैं नहीं सहन कर पाऊँगा तो बाहर लाएगा, उनको दवाई दी गई कि आप बीपी की दवा लो, 2-5 दिन सही होगा तो ऑपरेशन होगा। इसी बात को मुद्दा बना रहा था कि इसका ऑपरेशन आज का आज होना चाहिए, आप कौन होते हो मना करने वाले हैं, इस तरह की वर्कर पहले भी कर चुका है, आए दिन आके यहाँ पर स्टाफ को भी धमकाता है कि मैं आरटीआई लगा के सबको फंसा दूंगा, मैं चाहूँ जिसको फंसा के हटा सकता हूँ नौकरी से। तो ये अब बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि मौका ग्राउंड चल रहा था कोरोना वैक्सीन का, तो मैं त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाया, मेरे को 2 घंटे का 3 घंटे लग गए उसके जाने में, पर मैं FIR दर्ज कराई उस समाज कंटक के खिलाफ और हम चाहते हैं कि हमारे जो जूनियर